तो आइए फ्रेंड्स, अब हम 135 गज में बना हुआ सनशाइन होम्स का विला फ्लोर सेगमेंट का सैंपल फ्लैट देखते हैं। अंदर एंटर करते के साथ ही आप देख सकते हैं कि कितना शानदार इनका ये लिविंग एरिया है और क्या शानदार इन्होंने इसके अंदर ये फॉल सेलिंग दी है, जो कि एक्चुअल फ्लैट में भी आपको एज इट इजी बिल्डर द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं, इसका ये डाइनिंग एरिया है दोस्तों, ये भी आपको एज इट इज ही एक्चुअल फ्लैट में मिल रहा है। एंटर करते ही राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ये इसका गेस्ट बेडरूम है। आप देख सकते हैं कितना शानदार ये इनका गेस्ट बेडरूम है। इस गेस्ट बेडरूम के साथ ही अटैच्ड ये इनका फुली लोडेड वॉशरूम है, जिसके अंदर के रूफ हाइट तक टाइल्स हैं, जैगवार की बाथ फिटिंग्स हैं। ये इन्होंने जो अपना वार्डरोब दिया है, ये इन्होंने इस वॉशरूम के अंदर ही बना दिया है। ये आप देख सकते हैं इनका बाथ पैनल, इस पूरे फ्लैट के अंदर जो फिटिंग्स प्रोवाइड की गई हैं वो ब्रांडेड है। लाइक इसमें जो बाथ फिटिंग्स हैं, टैप्स हैं, ये सारे के सारे आपका जैगवार के हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसके अंदर यूज किया गया है, इसकी जो वायरिंग है वो KI की है और इसके जो स्विचेस हैं वो गोल्ड मेडल के हैं। ये इसके साथ ही अटैच्ड इनकी बालकनी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इनकी बालकनी का व्यू। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों इसकी किचन, जो कि गोदरेज कंपनी की है। आप देख सकते हैं कि काफी शानदार ये मॉड्यूलर किचन है। आप इसकी फॉल सीलिंग देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि गोदरेज कंपनी है, एक ब्रांड है जिसकी के लाइफ टाइम आपको गारंटी दी जा रही है। ये हम व्यू देख रहे हैं जी इसके किड्स रूम का, आप देख सकते हैं कितनी शानदार इसके अंदर भी वॉल सीलिंग है। वार्डरोब्स आप देख सकते हैं, जो कि एक्शन टीजा कंपनी का है। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके साथ अटैच्ड इसका वॉशरूम, जो कि फुली लोडेड है। इसमें भी सेम रूफ हाइट तक टाइल्स हैं, प्लस वॉल सीलिंग है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जैगवार की इन्होंने जो फिटिंग्स हैं वो यूज़ की हैं दोस्तों। ये इसका मास्टर बेडरूम है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी वाइड साइज का इसका जो है ये मास्टर बेडरूम है। काफी शानदार फॉल सीलिंग है इसमें की हुई, ये एज इट इज ही आपको दिया जा रहा है। ये वार्डरोब्स आप देख सकते हैं बहुत ही
बिगर साइज की इसमें ये वार्डरोब्स दी गई है बिल्डर द्वारा। और ये दोस्तों हम देख रहे हैं मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड इसका थर्ड और लास्ट वॉशरूम। आप देख सकते हैं रूफ हाइट तक टाइल्स हैं, प्लस वॉल सीलिंग्स है, बाथ पैनल हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बाथ फिटिंग्स, टैप्स और सैनिटरी का जो भी आपका सामान इसमें लगा हुआ है वो सारे का सारा ब्रांडेड है। और बाकी मैं पूरे फ्लैट का ओवरव्यू आपको एक बार फिर से शूट करके दिखाता हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैं इसमें ये भी आपको बताता चलता हूँ कि ये जो है फुली ऑटोमेटेड एक स्मार्ट होम है। इसके अंदर एलेक्सा की तर्ज पे ही एक इक्विपमेंट लगाया गया है। लाइक आप इसका इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी है, घर का जो डोर है या जो कुछ भी इसके अंदर लगे हुए हैं अप्लाइंसेस, चाहे वो आपका एसी हो, आपकी लाइटिंग हो या आपका डोर हो, आप वर्ल्ड में बैठे कहीं कहीं से भी इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं। वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ सनशाइन एनक्लेव के अंदर बने हुए बिल्डर फ्लोर सेगमेंट 135 गज के सनशाइन होम्स दिखाने। ये आप सामने देख रहे हैं सनशाइन होम्स का एलिवेशन। आप ये रोड्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वाइड हैं। इसके साथ साथ आपकी जो है ये कवर्ड कार पार्किंग है। फ्रेंड्स, इसका जो प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ये जो है 135 गज के अंदर बना हुआ S+3 का बिल्डर फ्लोर सेगमेंट है, जिसकी की जो प्राइस रेंज स्टार्ट होती है वो 45 लाख से इसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है। इस प्रोजेक्ट में आपको क्लब हाउस, पार्क, CCTV सिक्योरिटी, सिक्योरिटी विद गार्ड्स बिल्डर द्वारा दी जा रही, कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स भी अपने फ्लैट के अंदर दे रहे हैं जो के ज़्यादातर फ्लैटों में नहीं होते। वो दिखाने के लिए मैं आपको इसके सैंपल फ्लैट में लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड, ये जो आप सामने पार्क का व्यू देख रहे हैं, ये सनशाइन एनक्लेव का जो है वो पार्क है। बेसिकली क्या होता है कि बिल्डर फ्लोर सेगमेंट में ज़्यादातर आपके पार्क और क्लब हाउस नहीं होता है, क्योंकि एक अफोर्डेबल सेगमेंट के ये फ्लैट्स होते हैं या फ्लोर्स होते हैं। ये आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इसका क्लब हाउस की बिल्डिंग है। सबसे ऊपर इसका जिम है, बीच में इसके मिडिल फ्लोर है, जो इसका मिडिल फ्लोर है उसमें आपका मिनी थिएटर है, और सबसे नीचे ये ग्राउंड फ्लोर पे सनशाइन एनक्लेव का क्लब हाउस है। तो ये जो सनशाइन होम्स है, ये सनशाइन एनक्लेव जिन्होंने कि इस कॉलोनी को डेवलप किया है, उनके खुद के द्वारा ही बनाया गया इनका ये प्रोजेक्ट है। तो बाकी फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज आपको अगर करनी हो, तो वीडियो के अंत में हमें कॉल करके या नीचे दिए गए सेक्शन में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं।